चटपटी और मसालेदार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाइए और हर एक न्यूज सबसे पहले पाइए। बॉलीवुड के दबंग सलमान खान को ऐसे ही बॉलीवुड इंडस्ट्री का दबंग नहीं कहा जाता है, क्योंकि इनकी फिल्में जब भी बॉक्स ऑफिस पर रिलीज होती है फिल्म हमेशा एक नया रिकॉर्ड बनाती है। इसी कड़ी में सलमान खान और कटरीना कैफ की स्टारर टाइगर जिंदा है ने जहां इंडियन बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दिया है, वहीं टाइगर जिंदा है ने विदेश में भी तहलका मचा दिया है। मीडिया रिपोर्ट की माने तो सलमान खान और कटरीना कैफ की टाइगर जिंदा है ने दुबई में भी धमाका मचा रहा है। जी हां, दुबई का एक पहला ही गाना स्वैग से करेंगे स्वागत का दुबई वर्जन ऑलरेडी ही इंटरनेट पर धमाल मचा दिया था और अब फिल्म रिलीज होते ही दुबई में हंगामा मचा दिया है। दुबई के बॉक्स ऑफिस की कलेक्शन की बात करें तो फिल्म ने अब तक करीब करीब इंडियन रुपीज के हिसाब से करीब 25 करोड़ का कलेक्शन पार कर लिया है, जो कि एक बहुत ही बड़ा रिकॉर्ड माना जा रहा है। दुबई के दर्शकों का कटरीना कैफ और सलमान खान का एक्शन अवतार दर्शकों को बेहद ज्यादा पसंद आ रहा है। दुबई के फैंस सलमान खान को सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा फॉलो करते हैं और की फिल्म को लेकर बड़ी ही उत्सुकता रहती है। इसी कारण से सलमान खान की फिल्में हमेशा दुबई के बॉक्स ऑफिस पर बम्पर कलेक्शन करती है और एक नया रिकॉर्ड भी बनाती है। आपको बता दें कि सलमान खान और कटरीना कैफ पर फिल्म आया हुआ गाना स्वैग से करेंगे सबका स्वागत दुबई के दर्शकों को बेहद ज्यादा पसंद आ रहा है। उम्मीद जताई जा रही है कि दुबई के बॉक्स ऑफिस पर फिल्म टाइगर जिंदा है करीब 100 करोड़ का कलेक्शन पार कर सकती है। अगर ऐसा होता है तो सलमान खान के लिए बहुत ही बड़ी बात होगी, क्योंकि दुबई में अभी तक किसी भी फिल्म को 100 करोड़ का कलेक्शन नहीं पार कर पाया है।